छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है। ऐसे में धान खरीदी में अहम रोल निभाने वाले धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधक अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद हैं। दरअसल उनकी मांगे हैं कि इस बार धान खरीदी में सूखती को हटा दिया गया है, तो वहीं 72 घंटे में जो धान का उठाव किया जाता रहा है उसे भी परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे समिति प्रबंधकों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, जिसके चलते मंगलवार को सरगुजा जिले के 56 धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधकों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का समाधान करने की मांग की। क्या है कि अभी हमारे जो जो प्रदेश कर्मचारी जो संघ है वो 4/11 से हड़ताल में है। सरगुजा जिला अभी हड़ताल में नहीं था, लेकिन अभी हम लोग का एक मांग कलेक्टर साहब को देने आए हैं कि जो प्रदेश सहकारी संघ का जो हमारे पर दबाव है कि सारे जिला हड़ताल में है, आप क्यों नहीं हो, तो हम लोग क्षुब्ध हो के और उनके दबाव में भी काम तो करना ही पड़ेगा, संघ का मामला है। तो उसमें सर हम लोगों का 3 मांग है। पहला मांग तो यह है कि जो 72 घंटे में जो धान का उठाव किया जा रहा था वो उसको नीति से हटा दिया गया है और उसमें 31 मार्च कर दिया गया है, जबकि पहले 28 फरवरी होता था। और उसके बाद क्या है, सुखद का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और जो बफर लिमिट है सभी समितियों का बफर लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर धान खरीदी करना नहीं चाह रहे हैं और सभी हमारे जितने भी सरगुजा के कर्मचारी हैं वो धान के खरीदी कार्य से पृथक होना चाह रहे हैं और जो समिति का जो कार्य है उसको हम संपादन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी समिति का कार्य है वो।